भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं, प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती है तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले, मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा, मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता। मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा, आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी जी, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा, और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए, और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहाँ चली गई? लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहाँ? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी गई कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा, अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना। और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी
नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर, शराबी और सांप इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है ना, मुझे स्तुति आती है ना, मुझे अर्चना आती है ना, मैं सेवा जानता हूं ना, मैं चाकरी जानता हूं, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षत नमः शिवाय, षडाक्षत ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षत ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दो अक्षर का राम जानता हूं, ढाई अक्षर का कृष्ण जानता हूं, इससे ज्यादा मैं जानता हूं।